हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि जो हमारे बैड न्यूज़लेटर होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले करते हैं इसके मीनिंग की बात, फिर उसके बाद में करते हैं उसके पर्पज की बात कि भाई बैड न्यूज़लेटर होता है वो क्यों बनाया जाता है। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए कि बैड न्यूज़लेटर होते क्या है। अब जब भी आप बिजनेस में एंटर करते हो या फिर किसी भी एंटरप्रेन्योर जब जाते हो तो उसमें आपको जो लेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ जाते हो, फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको लेटर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसमें जो मेन लेटर होते हैं उसमें एक लेटर ये भी माना जाता है बैड न्यूज़ लेटर। ये जो आज हमारा टॉपिक है, बैड न्यूज़ लेटर क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहली बात, बैड न्यूज़ लेटर क्या होता है कि जो प्रतिकूल जो सूचना होती है, क्या है? प्रतिकूल सूचना पत्र के, तो प्रतिकूल जो सूचना होती है जिसके पास में हम मैसेज भेज रहे हैं उसके अनुरूप वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रतिकूल है, वो गलत है। इसलिए क्या जा सकता है कि जो हमारे बैड न्यूज लेटर होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? कोई भी हमारी बैड न्यूज है, जो प्रतिकूल जो न्यूज है, वो प्रतिकूल जो सूचना है, उसको हम अपने सेंडर के पास में भेज रहे हैं, जो हमारा रिसीवर है उसके पास में हम इसको भेज रहे हैं, तो ये क्या होता है? बैड न्यूज लेटर माना जाता है। अब दूसरी मेन बात यह है कि इसके जो पर्पज क्या होते हैं, भाई बैड न्यूज लेटर हम क्यों बनाते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो बैड न्यूज लेटर हम क्यों बनाएंगे, तो इसके बारे में क्या है कि जो हमारे पर्पज ऑफ बैड न्यूज लेटर, प्रतिकूल सूचना पत्र के उद्देश्य क्या होते हैं। उसमें सबसे पहले जो बात है वो है हमारी टू प्रेजेंट ए नेगेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी हमारी नेगेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमें प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। किसके पास में? जिसके पास में भी हम न्यूज भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि भाई मैं जो उधार आपको अब ये सामान नहीं दे सकता, तो ये क्या होती है? अगले वाले के लिए एक बैड न्यूज है, जिसको कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। तो हमें सबसे पहला है कि टू प्रेजेंट ए नेगेटिव इंफॉर्मेशन, कि हम इसमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, ये बैड न्यूज लेटर का एक मेन पार्ट माना जाता है, जो कि पर्पज माना जाता है। सेकंड है टू मेक पॉजिटिव प्रेजेंटेशन, तो ये क्या है? प्रस्तुतिकरण करता है। अब बैड न्यूज है तो उसको आप ये थोड़ी ना बैड तरीके से ही उसको सेंड करोगे, उसको आप एक पॉजिटिव वे में प्रस्तुत करोगे, पॉजिटिव वे में लिख करके आप उसको ट्रांसफर करोगे। तो ये क्या होता है? टू प्रेजेंटेशन होती है पॉजिटिव करके, ये बनाते हैं हम पॉजिटिव को, जो हमारी नेगेटिव न्यूज होती है उसको हम पॉजिटिव न्यूज करके हम उसके पास में सेंड करते हैं। अगला क्या है? टू मेंशन गुड रिलेशन, जब आप किसी भी पर्सन के पास में अपने जब बात पहुंचा रहे हो, बैड न्यूज पहुंचा रहे हो, तो उससे क्या है, आपके रिलेशन में कमी आ सकती है, फिर या आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि मेंटेन किया जाता है कि बैड न्यूज जो है हमारी उसको किस तरीके से भेजें कि वो अगले वाले के ऊपर भी थोड़ा कम प्रभाव पड़े, गलत प्रभाव ना पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं कि टू मेंटेन गुड रिलेशन, इसे गुड रिलेशन बनाने के लिए भी जो ये पर्पज होता है हमारे बैड न्यूज लेटर का। अगले जो है टू मेंटेन गुडविल, अब आप किसी को मान लीजिए अपने बिजनेस में उधार देने के लिए मना कर रहे हो, तो उधार देने के लिए जब आप मना करोगे तो उसमें आपकी गुडविल पर इफेक्ट पड़ रहा है। मगर जो हमारा बैड न्यूज जो लेटर होता है वो बनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी गुडविल है वो भी बनी रहे और जो हमारे कस्टमर है वो भी बने रहे, उनके ऊपर भी ज्यादा दबाव ना आए या फिर ज्यादा प्रेशर ना आए। अब हमारे जो सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है कि जो भाई हमारे बैड न्यूज लेटर है इसको किस प्रकार से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बिजनेस में, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम किस प्रकार से प्रिपेयर सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेकंड जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग फॉर बैड न्यूज लेटर, कि हम जो हमारी बैड न्यूज जो लेटर है उसको हम किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारी बैड जो न्यूज लेटर है उसको हम किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग ऑफ बैड न्यूज लेटर, जो हमारे बैड न्यूज लेटर है उसको एक बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से करती है। उसके लिए जो हमारे पास में दो अप्रोच होती है, सबसे पहले होती है हमारे पास में डायरेक्ट अप्रोच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है कि बैड न्यूज जो लेटर है उसको भेजने के लिए काम करती है। ये किस प्रकार से काम करती है इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमारी जो डायरेक्ट जो अप्रोच है उसको हम किस प्रकार से करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच जब हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जो काम होता है बैड न्यूज, यानी कि जो भी हमारी बैड न्यूज है उसको उस पत्र में, उस लेटर में लिख दिया जाता है, नो बफर के साथ में, जो प्रतिवेदन होता है उसके साथ में नहीं होता। यानी कि प्रतिवेदन क्या होता है
कोई भी आदमी जिसके पास में हमने मैसेज सेंड किया है तो उसके जो सामने वाले के दिमाग पर सीधा असर ना करे, सीधा प्रत्यक्ष रूप से उसको ना बताया जाए, मगर जो हमारी ये जो डायरेक्ट अप्रोच होती है इसमें सीधा बता दिया जाता है, जो हमारी बैड न्यूज होती है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब इसमें सेकेंड जो पार्ट आता है वो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। यानी कि एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें विस्तृत रूप से हमें बता दिया जाता है कि जो हमारी जो बैड न्यूज है इसमें जो कारण है वो हमारे क्या है, जो हमारे रीजन है वो क्या है। इससे क्या होता है कि जो बैड न्यूज लेटर का एक पत्र बन के तैयार हो जाता है, जो कि सेकंड पार्ट हमारा माना जाता है। अगली जो हमारी डायरेक्ट जो अप्रोच है उसकी जो बात है वो लास्ट एंड फाइनल जो क्या बात है, पॉजिटिव एंडिंग। पॉजिटिव एंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमने लेटर लिख दिया उसके बाद में अब डायरेक्ट जो अप्रोच होती है उसमें लास्ट में क्या करते हैं, पॉजिटिव एंडिंग करते हैं। पॉजिटिव एंडिंग का मींस क्या होता है कि जो भाव होते हैं हमारे, यानी कि शिष्टाचार के जो भाव होते हैं, आदर भाव जो हम लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सामने वाले बंदे के दिमाग में एक बात आती है कि हाँ मेरे को बैड न्यूज तो मिल रही है मगर उसके साथ साथ में आदर भाव भी मिल रहा है इस बिजनेस के साथ। इससे क्या होता है, हमारी जो गुडविल होती है जो बिजनेस की वो मेंटेन रहती है। ये हमारी होती है डायरेक्ट अप्रोच, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बिजनेस में एक बैड न्यूज लेटर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे जो कस्टमर है उसके पास में। अब जो सेकेंड जो है हमारी है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, ये भी एक पार्ट माना जाता है कि जो हमारी बैड न्यूज जो लेटर है उसको हम सेंड करते हैं, उसको हम किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, तो उसके बारे में क्या है। सबसे पहले इसमें होता है बफर। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम न्यूज दे रहे हैं उसका सीधा असर ना पड़े। अब ये किस में होगा, जो मान लीजिए आपका कस्टमर है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा ग्रसित है, यानी कि वो आपकी जो ये बात है बैड न्यूज है उसको सहन नहीं कर सकता, तो उस टाइम क्या किया जाता है कि इसमें बफर का यूज किया जाता है प्रतिवेदन का। ये रुकावट करती है एक जो बैड न्यूज जो लेटर होती है डायरेक्टली उसको नहीं बताया जाता, उसको कुछ टाइम के बाद में जो लेटर लिख दिया उसके कुछ दो चार लाइन के बाद में उसको बताया जाता है, जिससे कि उसके दिमाग पर ज्यादा असर नहीं होता है। सेकंड जो पार्ट है रोज कारण, हमारे जो कारण होते हैं उसमें कारण बताया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कस्टमर को आप ये बोल रहे हो कि सर हम आपको उधार माल नहीं दे सकते, या तो आप सीधा ये बोलो कि हम उधार माल आपको नहीं दे सकते, या फिर उसमें आप कारण भी दो, रीजन भी दो कि सर आप जो मंदी चल रही है या फिर जो हमारे मार्केट में जो मंदी चल रही है उसकी वजह से हम आपको नहीं दे सकते, मगर आने वाले टाइम में हम आपको ये चीज अवेलेबल करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, वो आप कारण एक्सप्लेन करते हो जिससे कि जो आपके कारण से क्या होता है आपके जो कस्टमर हैं उनको एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है कि हाँ अब नहीं दे रहे तो आगे चलने वाले टाइम में देंगे, जो हमारी इनडायरेक्ट अप्रोच के पार्ट माना जाता है। अगली बात बैड न्यूज। इतना काम होने के बाद, बफर होने के बाद में जो कारण लिखने के बाद में हम क्या लिखते हैं, बैड न्यूज। यानी कि अब बैड न्यूज को बताया जाता है कि आपके लिए जो प्रतिकूल जो सूचना है वो क्या है, उसमें विस्तृत रूप से इसको इंक्लूड किया जाता है। ये बैड न्यूज कब बताई जाती है, जब हमारे बफर और जो हमारे कारण कंप्लीट हो जाते हैं इस लेटर के अंदर। फिर वही बात है पॉजिटिव एंडिंग, इसमें पॉजिटिव एंडिंग की जाती है वही शिष्टाचार भाव से, जो हमारे जो थैंक्स होते हैं या फिर जो हम आदर भाव करते हैं श्रीमान जी जो लगाते हैं, इनसे इनकी एंडिंग की जाती है, जिससे कि जो हमारे कस्टमर हैं उनके जो माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, अच्छा एक इफेक्ट आता है, इसमें कोई भी उनके बदलाव नहीं किया जा सकता। अब ये जो बात क्या है कि जो हमारे मेनली जो बात क्या थी कि हमारे बैड न्यूज लेटर होता क्या है, तो बैड न्यूज लेटर क्या होता है, जो हमारी प्रतिकूल सूचना है, किसके लिए है प्रतिकूल सूचना, जिसके पास में भी हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्या है प्रतिकूल सूचना है कोई भी, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करने के कुछ एक पर्पज थे जो कि पीछे पूरे हो चुके हैं, और अब जो हमारी बात थी वो क्या थी कि ये अप्रोच क्या है भाई, जो हमारी है, वो दो प्रकार की अप्रोच होती है, डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। तो हमारे जो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस प्रकार से इन मैसेज को जो किया जाता है, ये किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है, किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट में, इन तरीकों से इनको स्टेप बाय स्टेप इनको किया जाता है। तो ये कुछ एक पार्ट होते हैं कि जो हमारे बैड न्यूज लेटर को किस प्रकार से हम प्रिपेयर करते हैं, इसके क्या मीनिंग है। और ये वैसे तो खराब होता है बैड न्यूज लेटर, मगर फिर भी एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव वे में हम कन्वर्ट करके भेजते हैं, तो ऐसे जो लेटर को क्या कहते हैं, बैड न्यूज लेटर होते हैं। संस्था के लिए एक काफी हद तक जो क्या होती है, एक सिचुएशन होती है जिसमें कि ये संभाल नहीं पाते हैं इस चीज को, मगर फिर भी एक बैड न्यूज लेटर एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए।